ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं है। मई 2024 को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान समेत 9 अधिकारी हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे। रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी प्रांत अजरबैजान में क्रैश हुआ था। रईसी को देश की सबसे पवित्र शिया दरगाह में सुपुर्दे खाक किया गया। इब्राहिम रईसी को सोने की गुंबद वाली मस्जिद में दफनाया गया है। दरगाह का नाम इमाम रजा दरगाह है और इसे शिया इस्लाम के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस्लाम के शिया पंथ के अनुयायियों की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। दरगाह में शिया इस्लाम के 8वें इमाम अली अल रिदा को सुपुर्दे खाक किया गया था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के ज्यादातर हिस्सों में जुलूस निकाले गए। रईसी के जनाजे में भी भीड़ उमड़ी थी जो साथ साथ चल रही थी। हालांकि उतनी भीड़ शामिल नहीं हुई जितनी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी में हुई थी।